आगे बढ़ते और बात पानीपत पर पंगे की करते हैं तो फिल्म को लेकर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। जयपुर में भी करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने राज मंदिर सिनेमा के बाहर प्रदर्शन किया और फिल्म पानीपत को पूरे देश में बैन करने की मांग की गई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित होते हैं और फिर नारेबाजी की जाती है। इस मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। हालांकि राज मंदिर सिनेमा में फिल्म पानीपत का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और गुस्सा कदर जाहिर किया। जयपुर के साथ ही प्रदेश में कई जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है और फिल्म पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग जगहों की। कोटा की तस्वीर आप देखिए, चूरू की तस्वीर, नागौर और अजमेर की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर लोग उग्र हैं, आक्रोशित हैं। एक और जहां आमजन इस फिल्म के विरोध में उतरा हुआ है, वहीं जनप्रतिनिधि भी फिल्म को बैन करने की मांग लगातार कर रहे हैं। मर्दानी के बाबत जो है वो हमारे लोकसभा के स्पीकर साहब देख रहे हैं, उनको उन्होंने शायद ये एश्योरेंस दिया है कि इसको देख करके जो है कुछ किया जाएगा, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो कोई कोटा के साथ न्याय करवाने की कोशिश करेंगे। पानीपत में तो वैसे भी लड़ाई हुई थी और आज भी लड़ाई हो रही है, उसमें क्या दिक्कत है? आज देश के अंदर जो ऐतिहासिक तत्व है उसके तोड़ मरोड़ कर पेश करने के जो शुरुआत हुई है वो बड़ी घातक है, और हम लोग उसी कड़ी के अंदर पानीपत फिल्म के अंदर जो हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज है उसको तोड़ मरोड़ कर हमारे इतिहास को दिखा रहे हैं। तो मैं पूर्ण तौर पर इसके भर्त्सना करता हूँ और मांग करता हूँ कि इस तरह की, इस पर तो रोक लगे ही लगे, इसकी पुनरावृत्ति किसी भी तरह से आगे नहीं हो, इसके लिए भी सरकार कोई ना कोई व्यवस्था करे। तो ये निर्माताओं से यही कहना चाहूँगी कि कोई भी हिस्टोरिकल फिल्म अगर ये बनाते हैं, इतिहास पे बेस अगर कोई फिल्म बनाते हैं तो उसकी पूरी रिसर्च करके उसके बाद ही फिल्म बनाएं। ये क्या करते हैं कि बस अपने बिना किसी प्रॉपर रिसर्च के और जानकारी के और परिवार से भी जानकारी नहीं करते हैं, जैसे पद्मावती के समय भी यही हुआ था। तो यही उनसे कहना चाहूँगी कि ये जो भी विवादित दृश्य हैं मूवी में उसको हटाया जाए तुरंत प्रभाव से। महाराजा सूरजमल जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है वो हटाए जाए, नहीं तो इस मूवी को बैन किया जाए। और साथ साथ में हमारा मैसेज देना यही है कि आने वाले समय में भी कोई भी फिल्मकार अगर कोई फिल्म बनाता है, जितने भी हमारे योद्धा हुए हैं, इतिहासकार बताते हैं जिस तरीके से हमारे हमें सीखने को मिलता है अपने योद्धाओं के साथ, तो उनकी छवि को धूमिल ना किया जाए। राज के लोगों को इसको पहले ही देख लेना चाहिए क्या इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। महाराजा सूरजमल जो आज़ादी के ज़माने से जंग लड़ते आ रहे हैं, राजस्थान की धरती पर लड़ाई लड़ी है उन्होंने, ये पूरी जनता को याद है। और इसलिए ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने अगर इस तरह पेश किया जाएगा तो जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी।